into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it. गुढी पाडवाच्या तुम्हा सर्वांना खूप 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 शुभेच्छा. ज्यांना मराठी येते त्यांच्यासाठी मराठीमध्ये, और जिन्हें नहीं आती उनके लिए हिंदी में नवरात्र की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं. तो आज तो देखिए मराठियों का न्यू ईयर है, गुढ़ी पाड़वा, और नवरात्रि भी आज से स्टार्ट हो रही है, इसलिए मेरे लिए तो डबल सेलिब्रेशन हो जाता है. तो गुढ़ी पाड़वा का सेलिब्रेशन होता ही है. वैसे मैं गुढ़ी नहीं उभारती यहाँ पर, मैंने सोचा है फ्यूचर में जब खुद का घर रहेगा तब मैं प्लान करूँगी, बट राइट नाउ गुढ़ी पाड़वा के लिए जो भी बाकी चीज़ें होती है, कुछ मीठा बनाना, सबसे मिलना, सबको शुभकामनाएँ देना, वो तो आज मैं करूँगी ही. साथ ही साथ नवरात्रि का आज उपवास भी है मेरा और राज का. पूजा हो चुकी है. गुड़ी पाड़वा पर ना गेहूँ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है. इसे एक्चुअली दरवाजे पर टांगा जाता है या सजाया जाता है, तो मैंने सजा दिया है. ये मैं गांव से लेकर आई थी. तोरण मुझे मिला नहीं है, इसलिए ये आंब्याची डाहड़ी जिसे मराठी में बोलते हैं, तो यहाँ पर मैंने लगा दी है, और इस वाले घर पर भी यहाँ पर लगा दी है. बाकी रंगोली तो बनती है, वो बना दी है, और गेहूँ तो है ही है. अब मराठी स्टाइल में रेडी होना बनता है, ठीक है, नथ वगैरह पहनना, गजरा वगैरह पहनना. जाऊंगी थोड़ा नीचे, फ्रूट्स वगैरह कुछ मिलते हैं तो लेकर आती हूँ, और फूल वगैरह मिलते हैं तो भी लेकर आती हूँ. और अनिका की यहाँ पर रंगोली प्रिपरेशन चल रही है, थोड़ा समय लग जाएगा रंगोली बनाने में, जैसे बन जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ. रंगोली यहाँ पर रेडी हो चुकी है, अनिका ने काफ़ी खूबसूरत रंगोली बनाई है. शाम के लिए साबूदाना भिगो दिया है, जिससे मैं साबूदाना पकौड़ा बनाऊंगी. और आलू यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं, इन्हें फ्राई कर लेती हूँ नाश्ते के लिए, कुछ खाने के लिए. ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि मैं आज मखाने की खीर बनाऊँ, तो मखाने का पैकेट यहाँ पर है मेरे पास, और उपवास में मखाने की खीर खाई जाती है. साथ ही साथ फल है, ये क्या है, आगरा का पेठा, दही, इतना सारा काफ़ी है उपवास में खाने के लिए. थोड़े से घी में सबसे पहले मखानों को फ्राई कर लूँगी. भुने हुए मखानों में से थोड़ा सा मखाना मैं पीस लूँगी. इसमें थोड़ा पिस्ताचो डाल दिया है और इलायची के दाने, और अब इसे मैं पीस लेती हूँ. ये पीस गया है, इससे ना खीर हो जाएगी हल्की सी थिक. तो ये दूध, इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है मैंने. अब इसमें मैं डालूँगी ये पाउडर, ये गए मखाने, ये गई केसर. स्वाद अनुसार चीनी. खीर यहाँ पर रेडी हो चुकी है, अच्छे से हल्की सी गाढ़ी भी हो गई है, कलर भी हल्का सा आया है. घी फिर से गर्म हो रहा है आलू को फ्राई करने के लिए. उपवास का खाना टेबल पर लग गया है, अटैक हो गया है. अच्छा है, खीर अच्छी बनी है. अच्छी है, मस्त है. सभी लोगों को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, नया साल सबके लिए अच्छा हो. हिंदी नव वर्ष आज से स्टार्ट हुआ ना? नहीं, मराठी नव वर्ष आज से स्टार्ट हुआ. हिंदी वाला तो होली के दूसरे दिन ही स्टार्ट होता है ना. ठीक है, जो भी स्टार्ट हुआ सबके लिए अच्छा हो. ये जो मैंने साड़ी पहनी है ना, इसका हाल बुरा है, पता नहीं मैंने क्या कर दिया इसके साथ. एक्चुअली ये साड़ी घर पहन कर रहो ऐसी वाली नहीं है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल से है, पर ठीक है, चलो एक हाथ दिन मैनेज कर सकते हैं. और खीर बहुत बढ़िया बनी है, मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड टाइम ही बनाई है. पहले मैंने कभी बनाई थी क्या मखाने की खीर? नहीं, पहली बार ही बनाई है इसका मतलब.
अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, वीडियो वगैरह पब्लिश करूँगी और फिर मैं प्रॉपरली तैयार होंगी नथ वगैरह पहनकर। सोचा था रेडी हो जाऊँगी मैं तो, बल्कि और कान के वगैरह निकाल कर व्लॉग वगैरह पब्लिश करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि पूछिए मत। अब सबसे पहले तो मैं साबूदाना वड़ा बना देती क्योंकि साबूदाना भीग गया था। तो राज अभी मुझे फ़ोन करके बोलते कि तुमने साबूदाना वड़ा नहीं बनाया, मैंने ना ठीक है बनाती हूँ और उसी के बाद थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि आज मेरे मन में है कि मुझे थोड़ा तैयार होना है। और सुबह से तो इतनी बढ़िया सी साड़ी पहनकर घूम रही हूँ। आई नो मैंने आपको दिखाई भी नहीं है ये साड़ी कैसी है क्या है, वैसे मीशो के हॉल वीडियो में देखी हुई होगी, बट चलिए एक बार दिखा दूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इतनी तैयारी कर दी, फिर मुझे याद आया कि मैं व्लॉग भी कर रही, तो उबला हुआ आलू, भिगोया हुआ साबूदाना, क्रंची वाला मूंगफली, कूटा हुआ मिर्च और थोड़ा जीरा, ये सब डाल दिया। अब इसमें सेंधा नमक पड़ेगा। यहाँ पर ये बैटर तो रेडी हो गया और मुझे राज जबरदस्ती यहाँ पे दिए है, बोले मैं बनाऊंगा। और ये देखिए सबर ही नहीं है, इसमें भी धनिया पड़ना है, इसमें धनिया डालने से इसका स्वाद बढ़ जाएगा। खाना देख के सबर नहीं होता, जैसे जो मेकअप वाले को मेकअप देख के, उसी तरह मैं खाना लवर हूँ तो मुझे खाना देख के बनाने का मन हो जाता है। वही ऐसे घुसे कि मैं जैसे वो कल मैंने पिक्चर देखा था ऋषि कपूर वाली, तो मेरा बहुत बनाने का मन हो गया था। मैंने शर्मा जी नमकीन, हाँ तो अभी आके मैंने फटाक से अंडा नहीं बनाया कल, लेकिन मेरा उसको देख के मन होता है। यहाँ पर एक डाल दिया, ये घी में हम लोग बना रहे हैं क्योंकि घी है। फिर तेल में कैसे खाओगे, राइस ब्रान है तो राइस ब्रान ये तो, क्या पूरा देसी घी है? हाँ। तो अब राइस ब्रान में कैसे खाओगे बताओ, ऊपर से टूट जाएगा। तो इसमें धनिया डाल दिया है और यहाँ पर हमारे हलवाई और हलवाई की बीवी दोनों लग गए हैं साबूदाना वड़ा बनाने, और बहुत देर से क्रेव कर रहे थे कि कब बनाओगी कब बनाओगी कब बनाओगी। यार ऐसे बनता है, देखो थोड़ा सा मेरे से सीखो। दो ना, मैं तो बना रहा हूँ। मेरा साबुदाना वड़ा रेडी है। आराम से फिर। ओके। चार तले थे, एक बचा, चार तल रहे। पांच तल गए। इतने सारे अभी तलने बाकी हैं। ये पहले तले थे, तो चार बाद में पचा ही थी। चार बच्चे बन के काम आ जाएगा। एक राज पर काम नाम। हाँ मेरे मुंह में कुछ है? ये सारा तुमने खाया। काम कम कर रहा, खा जा रहा है। मेरा नाम बदनाम हो रहा है। और अभी ना एक साबुदाना वड़ा फूटा था, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक उड़ कर आया था। ऐसा कैसे फूटा है? वही मुझे नहीं समझ रहा कैसे फूटा। और अभी इतने तलने, इनको तलने में बहुत समय जाने वाला है क्योंकि मेरा काम हो गया, मेरे पाँच ही काम। अच्छा आपने काम भर के तल लिए हो? किया चाह रहा हूँ। जब तक राज तल रहे अपने लिए, मैं पी रही हूँ मिंट वाटर। इसमें कुछ नहीं है, मिंट के पत्ते, आइस क्यूब एंड वाटर, नथिंग एल्स। बट इसमें फ्लेवर आ जाता है मिंट का। नेक्स्ट बैच इनका विद चाय, आज यही चलेगा लग रहा है। और बोल रहे शाम को थाली भी मंगवाओगे, उपवास कम कुछ और इंजॉयमेंट ज़्यादा हो गया। मुझे लग रहा है थोड़ा और लाल होना चाहिए था। बहुत बढ़िया। नमस्कार मंडली, कशा हाथ तुम्हें? सो मैं रेडी हो चुकी हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल में, एकदम पूरी तरह से नथ, चंद्र वाली बिंदी और ये ठुसी, सब कुछ पहनकर एकदम बढ़िया लग रहा है। बस महाराष्ट्र का वाइब यहाँ पर थोड़ा सा कम है, पर मैं हूँ ना, मैंने काफ़ी यहाँ पर वो टच जो है ला दिया है। ओके, और एक चीज़ मैंने ये देखा कि आज तो रमज़ान भी है, तो रमज़ान की भी शुभकामनाएं, और इतना ही नहीं उगाड़ी भी है तो उगाड़ी की भी शुभकामनाएं। मतलब एक ही दिन पर कितनी सारी चीज़ें हैं आज, और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा आप सभी के लिए, आई नो आज का दिन और उस दिन जिस दिन ये व्लॉग जाएगा थोड़ा सा तो फ़र्क रहेगा, पर ठीक है, दिल से दे रही हूँ, आप भी दिल से लोगे, राइट? ओके, कैसी लग रही हो बताओ जल्दी से। बहुत मज़ा आया बाय द वे मुझे इस तरह से रेडी होने में, मैं मतलब बहुत इंजॉय करती हूँ रेडी होना। और ये नथ देखिए, वाओ। कुछ हो जाए ना पार्टी वेटी तो मैं चली जाऊँ ऐसे ही, पर अनफॉर्चुनेटली
ऐसा होता है यूट्यूबर्स के साथ कि हम लोग तैयार होते हैं और कहीं जाना नहीं होता है। वैसे मैंने कुछ रील्स और पिक्चर्स भी क्लिक की है, तो इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं करते हो तो मेक श्योर कि फॉलो कर लो, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और शाम के बज रहे 7:15। बाय द वे, आप सभी को मेरे ऊपर कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगता है बताइएगा, महाराष्ट्रियन वाला, कैजुअल वाला, कैसा वाला लुक आप ज़्यादा पसंद करते हो जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लुक जब भी मैं अपने ऊपर क्रिएट करती हूँ ना, तो एक अलग ही टच आ जाता है मेरे चेहरे पर, एक अलग रौनक आ जाती है। और ऐसा नहीं कि कैजुअल लुक और बाकी सारे लुक्स में मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ, पर मुझे लगता है कि ये लुक में मैं थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी दिखती हूँ। कपड़े चेंज हो गए, बाय द वे मेरा डिनर भी हो गया, डिनर में थे उपवास के थाली पेट, वो देखे वहाँ पर अभी राज आ ही रहे हैं। और क्या बोलते हैं, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मेरी साड़ी काफ़ी हेवी थी, जा रही हूँ मेकअप रिमूव करने। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग निकल गए हैं दुनिया का सामान लेने के लिए, जैसे कि अनिका का यूनिफॉर्म जो आधा मिला था, आधा लेना बाकी है तो उसे लेंगे। उसके बाद पीने के पानी के लिए मटका लेंगे, क्योंकि फ्रिज का पानी पीना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो मटका तो लेंगे। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो चलिए अभी आपको दिखाती हूँ और लेंगे मिलकर ही। भूतनाथ यहाँ से सबसे पहले चश्मा ले लेते हैं राज का। और इस मार्केट की सबसे अच्छी बात है कि इसमें पार्किंग ही नहीं है, तो हमारे पास ये ट्रेंड्स की पार्किंग रहती है, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। हमारे पास नहीं रहती, उनके पास रहती है, हम लगा देते हैं। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी चीज मिली जिसे लिए खाए बिना मैं आगे नहीं जा सकती। तो अनिका का ऑरेंज वाला खा रही है, मैं मैंगो वाला, काला खट्टा एक्चुअली मुझे थोड़ा कम पसंद आता है। यहाँ के फेमस मिनी समोसे जो 10 रुपए में 3 मिलते हैं, महास्वाद रहते भैया। ये कितने का पूछना? 350 रुपए का। और ये 50 रुपए 100 रुपए का। ये कैसे कुर्ती? 450। मुझे लेना है मिट्टी का मटका जो यहाँ पर डेफिनेटली दिख नहीं रहा है। इस बार तुम फेंकना मत, मैं बता रहा हूँ। स्कूल यूनिफॉर्म तो नहीं लिया, वो छोड़ के जो नहीं चाहिए था वो सब ले लिया। ऐसा अक्सर होता है कि हम जिस मकसद से आते हैं वो साइड में रह जाता। चश्मा मिल गया बाय द वे। यहाँ पर ये मिनी समोसा मिलते हैं जो राज ने भर भर के ले लिए है, और घर जाने तक का सबर तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे बिमला के लिए गिराना मत, बिमला इसमें से तुम भी ले लेना। और ये पूरे राजकीय हैं, ये सारे मेरे। तुम भी इसी के लिए आए थे ना? तुम भी खा सकते हो। अच्छा, इसीलिए मेरे को नहीं खरीदने दिया, पर से ही सब कर लिए। मॉर्निंग गाइस, कल तो आने के बाद पूछिए मत, आने के बाद भिंडी बनाई, और वो मैंने वहाँ से एक भिंडी ली थी, इतनी बड़ी बड़ी थी, उसे पकने में ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स लगे। स्टिल वो जैसी पकनी थी वैसे नहीं पकी, अब बहुत मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कौन सी भिंडी है जो पकी नहीं रही है, मतलब मुझे नहीं पता वो क्या था, बट पूरा मूड ख़राब कर दिया था।
कल जो फ्रूट्स मैं लेकर आई थी, स्ट्रॉबेरी, शहतूत और ये सब धोकर पेपर पर डालकर सो गई थी। अब सुबह सुबह तो देखिए इसका स्ट्रॉबेरी शेक बनेगा। ये स्ट्रॉबेरी मैंने काटी तो देखिए अंदर से इतना बड़ा कटोरी है। ओके, ये आपको कैसा लगता है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, राज को बड़ा पसंद आता है। बेबी ये देखो शहतूत, तो मैंने पसंद है, देखो खाओ, धुल कर रखा हुआ, ट्राई। मैंने तो रात में थोड़ा सा खा लिया था, अच्छा है ना। बाकी के स्ट्रॉबेरीज को ना मैं इस तरह से कट करके आइस ट्रे में उसको फ्रीजर में रख दूँगी। ये ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है तो ये फ्रोजन हो जाएंगी, तो खाने में ना फिर बहुत सही लगती है। मुझे ना चिया सीड डालना अपने स्ट्रॉबेरी शेक में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक क्रंची वो देता है। मैचिंग नहीं है, मैचिंग नहीं है। सो यम।